नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल रात को हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बताया था कि इब्राहिम राइसी की जो पाकिस्तान की 3 दिन की विजिट है उसमें से पहले दिन क्या क्या घटनाएं हुई और उसका हमने एनालिसिस किया था और उसके क्या मायने हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की थी। उसमें हमने ये भी बताया था कि किस तरह से शहबाज शरीफ ने ये प्रयत्न भी किया कि ईरान के साथ कल्चरली और रिलीजियस बेस पर जुड़ने की कोशिश की जाए। उसी के सामने इब्राहिम राइसी का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आया, लेकिन कल रात को बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी कि भारत में इरेनियन एम्बेसडर टू इंडिया जो है इराज इलाही, उसने इरेनियन आर्मी डे के मौके पर एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें कही जो संभवतः पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ सुनना चाहता है। आइए सुनते हैं उनकी वो छोटी सी स्पीच और उसके बाद इसके क्या मायने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। Has seen many conflicts. In the recent decades, we have seen many wars in Europe, Asia, and Africa. In such circumstances, the Islamic Republic of Iran is proud to be the anchor of stability and security in the West Asian region, with its independent, self-reliant, and strong armed forces. The message of Iran's armed forces to all neighboring countries and the world is peace, friendship, and security. The approach of the Islamic Republic of Iran is grounded on peace, friendship, and cooperation. Meanwhile, it defends its security and national interests fiercely against any threat. The military doctrine of the Islamic Republic of Iran is based on active defense and deterrence. Deterrence for establishment of peace and security at the national and regional level. Within the framework of this doctrine, talking about the recent present, the Islamic Republic of Iran has forced to take preventive measures against Zionist regime within the framework of well-known principle of international law. Not only fighting the face of terrorism, but the Islamic Republic of Iran with its coastline in the Persian Gulf and the Sea of Oman plays a unique role in ensuring the world's energy security and has always emphasized on the mutual cooperation and empathy of the coastal countries to ensure the security of the water zone and energy center without the presence of any foreign forces. Dear guests, historical and cultural ties have brought the two great nations of Iran and India together throughout history. Additionally, the Indian Ocean has connected two friendly countries together and has provided the basis for mutual cooperation between the two sides to ensure maritime security. To wrap my words, I would like to thank you all for your kind attention and eminent presence here tonight. Thank you all. तो जैसे कि आपने सुना, इराज इलाही यानी कि इरेनियन एम्बेसडर टू इंडिया जो है उसने भारत ईरान के साथ हिस्टोरिकल कल्चरल और सिविलाइजेशनल रिलेशंस होने की बात कही जिसको शहबाज शरीफ क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तान में। उसी के साथ इराज इलाही ने यह भी बात कही कि ईरान और भारत के मैरिटाइम रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं और जिस तरह से भारत अरेबियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके चलते ये जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं। अब ये जो बात है उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जहां पर हमने आपके साथ कई सारी ऐसी न्यूज शेयर की थी जब इंडियन नेवी ने अलग अलग इरेनियन फिशिंग वेसल्स सोमाली पायरेट्स के कब्जे से छुड़ाया था या फिर उन लोगों का अटैक होने से रोका था और बाद में वो जो इरेनियन फिशरमैन थे या कई केसेस में पाकिस्तानी फिशरमैन भी जो थे उन लोगों को भी छोड़ दिया था, उन लोगों को भी अपने रास्ते पर रवाना कर दिया था। तो इसी तरह से अरेबियन सी में और पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी काफी समय से काफी एक्टिव है और उसने कई सारे जहाजों को
बचाया है सोमाली पायरेट्स से और अटैक से। तो इसी के चलते ये जो पर्टिकुलर स्पीच दी गई है, ये जो पर्टिकुलर बात की गई मैरिटाइम सिक्योरिटी, वो उसी के संदर्भ में दी गई है। और साथ ही में इराजिलाई ने ये भी बात कही इस पर्टिकुलर स्पीच के बाद इंटरव्यू में कि भारत के रिश्ते ईरान और इसराइल दोनों के साथ ही काफी अच्छे हैं, तो अगर भारत इसमें कोशिश करता है तो वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हाल में चल रहा है उसको काम डाउन किया जा सकता है और उसको पीसफुल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जैसे दुनिया के कई सारे देशों की भारत के पास से बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसी तरह से ईरान की भी है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और आज के दिन में क्या हुआ पाकिस्तान में, जो कि दूसरा दिन है इब्राहिम रईसी जो कि इरानियन प्रेसिडेंट की पाकिस्तान विजिट का दूसरा दिन है, उसमें वो हम आज के दिन के अंत में शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में दो शब्द जरूर लिखें। वीडियो की रीच काफी ही कम कर दी गई है, चैनल की रीच काफी कम कर दी गई है, तो आप सभी से अपेक्षा है तो एटलीस्ट लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट में दो शब्द लिखना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।